वेल गाइस, जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई प्रूफ देख लो दोस्तों कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 10,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी आप अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता दूं कि यह जो मुझे 10,000 का जो यहाँ पे लोन ऑफर किया जा रहा है ओनली फॉर KYC करने पर, यानी कि दोस्तों ने पैन का उधार करके पे डिटेल्स दिया और मैं अपना KYC यहाँ से कंप्लीट किए और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं 10,000 का मैं इस लोन के एलिजिबल हूँ। दोस्तों अगर आपका भी एज मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है, आप ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते, तो दोस्तों यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन का कैसे लोन अप्लाई करना और आपको जो लोन मिलेगा उसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर में ही अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे और एक भी टिक आप मिस्टेक हो जाएगा तो आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहो तो मैंने दिए हुए डिस्क्रिप्शन से इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे में दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे दिए हुए लिंक से जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया जाता है कि आप अपना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन से लैंग्वेज इस लोन एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो। इंग्लिश में करना चाहते हो, नीचे आपको हिंदी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो या हिंदी में करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं ऐसे इंग्लिश में करूंगा, तो मैं ऐसे कंटिन्यू इन इंग्लिश वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कंटिन्यू इंग्लिश वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो आपको इस बॉक्स में 10 मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर नीचे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, उसके बाद तो आप जो भी मोबाइल नंबर इस लोन एप्लीकेशन को प्रोवाइड कराओगे उस मोबाइल नंबर 6 अंक का एक OTP आएगा, तो OTP वहां से ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर दोस्तों वहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं ऐसे वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूं। जैसे वहां से अपना OTP इंटर कर लोगे, फिर दोस्तों वहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे यहां से आ जाओगे। दोस्तों होम स्क्रीन पे आने का दोस्तों अब यहां से आपको लोन कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों यहां पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक आपको ऊपर लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके ठीक नीचे आपको इन्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको ऊपर जो एक लोन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा उसके ठीक नीचे यहां पर आपको अप्लाई नाउ का यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे यहां से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर वो पहले ही बताया जाता है कि आप इस लोन एप्लीकेशन मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 65,000 तक लोन ले सकते हो, और वो भी ओनली फॉर KYC करके। तो दोस्तों अब यहां से वो लोन अप्लाई करने के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, तो यहां से स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे जैसे स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो दोस्तों परमिशन देने के लिए आपको नीचे आना होगा। दोस्तों चलिए मैं ऐसे नीचे चलता हूं, नीचे आने का दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नीचे आपको अलाउ का यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से अलाउ वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन से लगातार परमिशन दे देना है। जैसे वहां से लगातार परमिशन दे दोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओनली फॉर 3 इजी स्टेप यहाँ से लोन ले सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। उसका दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन सेल्फी यहाँ से आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसका दोस्तों एक पर्सनल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जिसमें पैन कार्ड का नंबर है, अपना पर्सनल डिटेल्स आपको देना है कि आप क्या करते हो। दोस्तों आपको इन 3 स्टेप को करने के लिए नीचे कंटिन्यू का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जाता है कि अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिए, और वो भी OTP के थ्रू आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP आएगा, तो OTP इंटर करके आप आधार कार्ड यहां से वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है और आपको अपना यहां से फिर भी वेरीफाई करना, तो उसके लिए आपको करना क्या, नीचे आपको अपलोड आईडी कार्ड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहां से अपलोड आईडी कार्ड वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे, तो यहां से आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हो या वोटर आईडी कार्ड का यहां से फोटो अपलोड कर सकते हो। दोस्तों आप इन दोनों में से कोई से कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों मैं OTP के थ्रू करूंगा अपना आधार कार्ड वेरीफाई। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर आपको प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते यहाँ पर आता है इंटरव्यू आधार नंबर, तो आपको इस बॉक्स में अपने आधार कार्ड का 12 जीरो नंबर इंटर करके नीचे नेक्स्ट के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अपने आधार कार्ड का 12 जीरो नंबर इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस फोन नंबर 6 डिजिट OTP आएगा, तो OTP इंटर करके अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसी प्रकार से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेता हूँ, तो आप भी अपने आधार कार्ड को सेम इसी प्रकार से वेरीफाई
वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसा आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब आपको ना डिजी लॉकर यहाँ पे वो पिन इंटर करना 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट कोई से एक पिन यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा डिजी लॉकर का। उसका दोस्तों आपको नीचे डन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां अपना डिजी लॉकर पिन इंटर करके डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको अलाउ का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां पे अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लोन ऑफर बता देगा कि आप इसे कितना लोन के एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे केस में बताया जा रहा है कि मैं ऐसे 10 साल का मैं लोन के एलिजिबल हूँ। हो सकता है आपके केस में 20 साल, 15 साल का या 5 साल का आपको लोन ऑफर करे, वो आपके पैन का आधार के डिटेल्स आपको बताया जाएगा कि आप इसे कितना लोन के एलिजिबल हो। दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। उसका दोस्तों अगर आप लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में लेना है तो नीचे सीधा कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों अपना लोन अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा क्या वो कितना लोन अमाउंट आपको नीड है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखा कि मुझे यहाँ पे 10 साल का लोन ऑफर किया गया, लेकिन दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई करूँ उनको ओनली वो 5 साल लोन अमाउंट की नीड है, तो मैंने अपना 5 साल लोन अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो 5 साल का दोस्तों यह जो लोन है यह मुझे 3 महीने के लिए यहाँ पे मिलेगा, यानी दोस्तों 90 दिन के लिए मुझे यह लोन अमाउंट दिया जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं अगर 5 हज़ार का लोन लेता हूँ तो प्रोसेसिंग फीस प्लस GST यहाँ पर आप देख सकते हो 471 रुपये हो जाएगा। मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं सेंड किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 4529 रुपये किया जाएगा। मेरा 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 379 रुपया, और मुझे इनको 3 महीना जो टोटल रिपेमेंट करना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5379 रुपया मुझे इनको 3 महीना में रिपेमेंट करना है। तो दोस्तों अपने लोन के सही डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर आपको ये सभी कुछ अगर सही लगता है कि मैं ऐसे लोन ले सकता हूं तो उसका दोस्तों नीचे आपको फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ऐड बैंक अकाउंट, यानी दोस्तों आपको अपना बैंक को यहां पे ऐड करना है कि आप कौन से अकाउंट में यह अमाउंट लेना चाहते हो। सबसे पहले तो अकाउंट का नाम इंटर कर लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है कौन से बैंक में। उसका दोस्तों अकाउंट का नंबर इंटर करके नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से सीधा सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा लोन एग्रीमेंट, तो यहां को लोन एग्रीमेंट साइन करना है। तो लोन एग्रीमेंट साइन करने का आपको चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक करके नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना लोन एग्रीमेंट यहां साइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना लोन एग्रीमेंट यहां साइन कर लेता हूं। जैसे अपना लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने स्टेप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जाता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर लोन, यहाँ पर देख सकते हो कि 12 घंटा के अंदर आप जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हो उसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यह 12 घंटा ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, या 10 से 15 मिनट के अंदर में ही आपके अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से लोन अपलीकेशन अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बता दिया कि कैसे लोन अप्लाई करना, आपको जो लोन मिलेगा उसको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों इस लोन अप्लीकेशन का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से लोन अप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन में जाकर केवाईसी करके यहां से लोन ले सकते हो। वेल का जगह मान लेते हैं किसी भी कारणवश आप इस लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं मिलता है, या अगर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है, तो अब आप इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है, आप ओनली फॉर केवाईसी करके लोन लेना चाहते हो और लोन अमाउंट की बात कर ले तो मिनिमम 5 साल से लेकर मैक्सिमम 1 लाख का, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन कोई भी इनकम हो, कोई भी सैलरी वगैरह को अपलोड नहीं करना है, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है तो आप उन 50 लोन एप्लीकेशन आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उस 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस गाइस आज की इसमें इतना, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।